खबर के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष प्रस्तुति पानी में। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सो। रहीम साहब की इन पंक्तियों से ये तो पता चलता है कि मानव जीवन में पानी की कितनी महत्ता है। लेकिन जैसलमेर शहर में इंदिरा गांधी परियोजना होने के बावजूद भी यहाँ के बाशिंदों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर के आगमन के बाद आज भी बहुत बड़ी आबादी के लिए भूजल ही जीवन व्यापन का आसरा है। लेकिन भूजल का पानी जैसलमेर शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर पहुंचा है, मगर जिले के शेष क्षेत्रों में नहरी पेयजल योजनाएं अभी भी क्रियान्विति के दौर में है। इस समस्या को लेकर जैसलमेर के वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक डॉक्टर एनडी इणकिया का कहना है कि जैसलमेर जिला भूगर्भीय जल के अति दोहित क्षेत्र में शामिल हो चुका है। ज्यादा गहराई में पानी मिलने और रिचार्ज नहीं होने से इस पानी में हानिकारक तत्वों की मौजूदगी सामने आई है। लोगों की एक भ्रांति फैली हुई है कि नीचे नदियां चल रही हैं, जैसे बल्कि ऐसा है नहीं। वास्तव में कोई नदियां वदियाँ नहीं चल रही हैं। हमारा जो यहाँ पे ग्राउंड वाटर है, यहाँ जो भूमिगत जल है, वो एक तरह से स्टोर्ड वाटर है, कलेक्टेड वाटर है। वो पत्थरों के अंदर मौजूद है और जिसको हम बाहर नलकूपों के से निकाल रहे हैं, और नलकूपों में जो जिस गति से हम निकाल रहे हैं उसके साथ में जो पत्थर की जो जल्दी क्षमता है वो भी दिनों दिन घटती जा रही है। उसके साथ में उस पत्थर के अंदर जो घुनित लवण है वो भी बाहर आ रहे हैं। तो जो जल की गुणवत्ता जो कभी हमारे जैसलमेर जिले के अंदर 1000 TDS के आसपास में 1500 TDS के आसपास में जल रहता था, वहाँ पे आज की तारीख में 2000 TDS से भी ऊपर से पानी की गुणवत्ता टोटल डिजोल्व सॉलिड्स मिल रहे हैं। तो निश्चित रूप से जल की जो गुणवत्ता बिगड़ रही है वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, खेती के लिए भी हानिकारक है। लोगों का कहना है कि एक तरफ जहां जलदाय विभाग नियमित पानी के बिल के रूप में जनता से पैसे ले रही है, वहीं दूसरी ओर नियमित जलापूर्ति नहीं होने से लोगों को टैंकर चालकों को भी पैसा देना पड़ रहा है। ऐसे में दोहरी मार झेल रहे लोग जलदाय विभाग और जिला प्रशासन से निराश ही दिखाई दे रहे हैं। लोगों के घरों में पानी नहीं आता है, वो बिल कहाँ से भरे? वो बोलते बिल भरो, बिल कहाँ से भरे? पानी दो, हम पानी बिल भरने के लिए तैयार है। और यहाँ पर लोगों की इतनी गरीब कच्ची बस्ती होने के कारण यहाँ पर लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है और घरों में टैंकर डलवाने पड़ते हैं। टैंकर भी हमारे यहाँ पर मनचाहे रेट लेते हैं, जो गरीब आदमी उन्हें हर वक्त नहीं डलवा सकते। इनको जब से ज्यादा पानी की सुविधा अगर जब तक नहीं होगी तब तक ये लोग दुखी रहेंगे। यहाँ पर पाइपलाइन चल रही है और यहाँ पानी की बहुत परेशानी है। यहाँ दूर दूर से पानी लाना पड़ता है और यहाँ टैंकर भी लगवाने पड़ते हैं, और हम जहाँ जाते हैं वहाँ सुनाई भी नहीं होती है। हम यहाँ पर 10-15 जने औरतें जा चुकी हैं नगर पालिका वगैरह, और वहाँ कोई सुनाई नहीं है। इन लोगों की आंखों में पानी को लेकर इतनी आशाएं हैं कि जब इनसे बात की तो उनका विभागों और प्रशासन के ऊपर गुस्सा फूट पड़ा। सुन गई पानी तेरा मरा बढ़िया, पानी दे नहीं, पानी हिन्नोन करने नहीं, कोई कपड़ा धोने नहीं, मैं तेरा मरा था गर्मी पड़े बे भरो या पानी दे को नहीं नगर पालिका के मैं जावा उठ जाओगे देवा देवा फिर पास काटे पास दे को नहीं। शहरी क्षेत्र में पानी के लिए 7 दिनों से ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है और 7 दिन बाद भी आने वाले पानी की गारंटी नहीं होती कि वो साफ और पीने योग्य सप्लाई होगी। ऐसे में शहर में पानी का व्यापार करने वालों की मौज हो गई है और आम लोगों को पानी के लिए त्राही त्राही होना पड़ रहा है। कहने को तो हर साल करोड़ों रुपए की पेयजल योजनाओं पर सरकारों द्वारा काम किया जाता है, लेकिन ये योजनाएं जमीनी स्तर पर आते ही अपने आप धराशाही हो जाती है। आलम यह है कि पानी के लिए आए दिन आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार है कि अपनी जिम्मेदारी को लेकर कतई गंभीर नहीं दिखाई दे रहे हैं। सरकार के विभागों की आपसी खींचतान का खामियाजा तो जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में अगर इस संबंध में कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई गई तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। दर्शकों, हमने पानी की स्थिति राजस्थान के अन्य शहरों में तो जान ली, वहाँ जल संकट कितना गहराया हुआ है ये भी देख लिया,
लेकिन अब हम राजस्थान की राजधानी जयपुर में हैं, जहां मावटा जलाशय की आपको स्थिति दिखाते हैं। कोई समय हुआ करता था जिस समय ये जलाशय पूरा भरा हुआ करता था और सौंदर्यीकरण का लोग देखने के लिए दूर दूर से आते थे इसको, लेकिन आज आप स्थिति देख सकते हैं इसकी। ये जलाशय पूरा कहाँ थोड़ा बहुत भरा हुआ आपको दिख रहा है। जैसा कि जैसलमेर की स्थिति थी, वहाँ पे किसान थोड़े से हिस्से में खेती कर रहे थे और झीलें सूख गई थी, उसी तरह मावठा जलाशय की स्थिति है। यहाँ जानवर चर रहे हैं, मैदान खाली पड़ा हुआ है। जो जलाशय कभी भरा हुआ करता था, अब वो मैदान बन चुका है। यहाँ सिर्फ जानवर हैं। आपको बता दें कि जब आप मावठा जलाशय आएंगे तो आपको एक बोर्ड यहाँ लगा हुआ दिखेगा, जिस पे लिखा हुआ है मावठा जलाशय में मगरमच्छ है, अतः आप सभी से आग्रह है कि मावठे में उतरना प्रतिबंधित है। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कितने मगरमच्छ बचे होंगे। जब ये जलाशय नहीं बचा, छोटा सा कुंड बन चुका है जहाँ थोड़ी मात्रा में पानी है, जानवर हैं और इसके अलावा लोग भी बहुत आराम से उतर सकते हैं। यहाँ पे जानवर ही जानवर देखने को मिलेंगे। लेकिन चलिए अब लोगों से, यहाँ जो दुकान लगाते हैं उनसे जानते हैं वो कितने सालों से यहाँ पे हैं और उन्होंने किस मावठा को देखा था और आज जो मावठा जलाशय है उसकी स्थिति क्या हो चुकी है। आपका नाम बताइए सबसे पहले। बीना शर्मा। बीना जी, ये जो जलाशय अब सूख चुका है, आपने किस मावठे को देखा था? हमने फूल भरे हुए को देखा था। तो तब क्या स्थिति हुआ करती थी? जब खूब रौनक हुआ करती थी। अभी जब से ये केसर कैरी में ये बना है लाइट साउंड, उसके बाद में पानी आना बंद हो गया। तो पानी अब आना किस वजह से बंद हुआ है? ये फूल बन गई ना, उस वजह से बंद हो गया। तो यहाँ रौनक भी खत्म हो गई होगी? हाँ, रौनक खत्म हो गई, पानी बिल्कुल सूख गया। पानी पीने के लिए परेशान है, पानी नहीं आ रहा। पीने के लिए भी पानी नहीं आता? हाँ। तो हमारे पूरे बावड़ी सब भरे हुए रहते थे, वो भी सब। अच्छा, अंदाजन कितने समय से ऐसा हुआ है कि पानी यहाँ सूख गया है? ये देखो कि चारों में पूरा भरा हुआ था लपालप, ये अपनी दीवार है ना, इसके पास पानी था। अच्छा। उसके बाद में फिर ये फुल हो गया था, फिर पानी खत्म हो गया। अब इसको छोटा करते जा रहे हैं तो पानी को कम होगा। तो ये किसकी कमी है, मतलब किस वजह से हो रहा है? सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही? हाँ, ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सरकार आके देखती नहीं है। अभी तो मगरमच्छ छुड़वा दिए थे, फिर मगरमच्छ के डर के मारे कोई जाता भी नहीं था नीचे। पर यहाँ तो जिस तरह कुंड बन चुका है, जलाशय से छोटा सा कुंड हो गया है, यहाँ मगरमच्छ रहते भी होंगे? अब तो नहीं है मगरमच्छ, जब पीने को हमारे ही पानी नहीं तो जानवरों को कहाँ से मिलेगा पीने के लिए? वो कैन मंगवाते हैं, अब गरीब आदमी इतना खर्चा कहाँ से करे। कितने कितने दिनों में पानी आता है? दो चार दिन में एक बार आता है, वो टैंकर वाले तो फ्री में तो भरते नहीं है, अब उनको भी 200-400 रुपये देने ही पड़ते हैं, फिर जाके कोई भरता है पानी। बिल्कुल। तो स्थिति ये हो गई है कि टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। जयपुर शहर राजधानी है राजस्थान की, पर यहाँ पे भी पानी की कमी इतनी है, दो दो दिन में पानी आता है। आपका नाम बताइए। शाकिर। शाकिर जी, आप भी यहीं के रहने वाले जी। तो आप किस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं पानी की कमी से? पानी की तो कमी है ही यहाँ पे, पानी की बहुत कमी है, बारिश वैसे नहीं हो रही। ये बीसलपुर की जो देख रहे हो सामने जी, ये लाइन है, ये बंद पड़ी है, ये किस वजह से चालू नहीं है, क्या है, गवर्नमेंट को देखना चाहिए। मतलब पानी की बहुत समस्या, अब जैसे जैसे गर्मी हो रही है उसी तरीके से पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐसा होता है कई जगहों पे तो पानी खूब सारा आ रहा है और लोग उससे बहाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि लोग भी लापरवाही कर रहे हैं? बिल्कुल, लोगों की भी लापरवाही है। जैसे लॉक होना चाहिए पानी के लिए, नल टूटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट के अलावा पब्लिक की भी थोड़ी कमी है इसमें, आप यही कहेंगे। पानी की किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? पानी की तो समस्या ही है, बहुत ज्यादा समस्या है नीचे। अगर ये तालाब भरा रहता है तो अपने कुएं और बावड़ियों में पानी रहता है, नहीं तो फिर वो सूख जाती है। तो इसमें पानी, तो अब पानी की बात करें तो घरों में पानी कितना तेजी से आता है, रोज आता है? आता ही नहीं है, कभी तो आता ही नहीं है पानी, ये कंडीशन होती है पानी की तो बिल्कुल। कितने कितने दिन में पानी आता है? दो दिन छोड़ के आता है, एक दिन छोड़ के, दो दिन छोड़ के। दर्शकों, यहाँ लोगों से बातचीत की, उनका कहना है कि पानी की बहुत कमी है, जलाशय सूख चुका है, जिसका जलस्तर कभी बहुत हुआ करता था, आज वो जलस्तर गिरकर कुंड बन चुका है। यहाँ पे जो मगरमच्छ हुआ करते थे वो भी खत्म हो गए, क्योंकि जब इंसान के लिए पानी नहीं है तो जीव जंतु तो कैसे रहेंगे।
उनका वही ये भी कहना है कि जिन हिस्सों में पानी आता है वो लोग पानी को इतनी बेपरवाह से लापरवाही से खर्च करते हैं जिसकी वजह से पानी की अहमियत वो समझ नहीं पा रहे। पानी पानी रे खारे पानी रे नैनों में तू बस जा। गुलजार साहब की ये पंक्तियाँ इस वक्त राजस्थान की स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। जिस तरह राजस्थान पानी की समस्या से सामना कर रहा है उस तरह तो लगता है कि आने वाले समय में आंसू के रूप में ही पानी रह जाएगा और लोग त्राही माम चिल्लाते हुए नजर आएंगे। पानी की महत्ता को समझिए, पानी को बचाइए। आज की हमारी विशेष प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।